के इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल-फसील का कहना है, सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। अरब मीडिया के मुताबिक शहजादा तुर्की अल-फैसल ने थिंक टैंक में इजहार ख्याल करते हुए कहा है, इसराइल और सऊदी इक्तिसादी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अमेरिका मुज़ाकरात बहाली चाहता है। इसराइल की जानिब से फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बाद ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बात कर सकते हैं। उधर यूएई के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल-नहयान ने एक्स पर अपने बयान में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात गाज़ा में जंग के बाद फलस्तीनी रियासत कायम किए बगैर किसी मनसूबे की हिमायत के लिए तैयार नहीं है।